Today we are going to discuss play in early childhood, play and assessment, how we assess our children through play. So children's play in their early and formative years is critical to their psychological intervention and assessment. Since the 19s, multiple outcomes have been realized in child development and assessment of the programs implemented. So play offers children physical, emotional. इंटरपर्सनल एंड खागनेटिव लर्निंग सो द थिंग इज दैट असेसमेंट इज एक्चुअली अ वेल स्ट्रक्चर्ड फिनना थ्रू आउट फॉर एजुकेशन लेकिन जो हमारे अर्ली चिल्ड्रन हैं उनके लिए हमें और तरह की असेसमेंट चाहिए वजह यह है कि बच्चे इतने छोटे हैं कि अभी वो अपने आप को असेसमेंट के लिए तैयार नहीं कर सकते और जो आउटकम्स हमने उनके लिए तय किए हैं ज़रूरी नहीं कि वो उसी तरह उनको एग्जिबिट भी कर सके या उनकी डिस्पोजिशंस जो हैं वो कंट्रोल्ड या डिसिप्लिन नहीं हैं उनके बिहेवियर्स कंट्रोल्ड या डिसिप्लिन नहीं हैं जिनके बेसिस पे हम ये कह सकें कि भई ये बच्चा कौन से इस वक्त लेवल पे है और कौन से लेवल पे नहीं है तो एक तो जैसे हमने पहले अर्ज किया था कि थ्रू आउट ऑब्जर्वेशन जो है वो असेसमेंट का एक बड़ा अच्छा टूल है अंडर जो अर्ली चाइल्ड स्टूडेंट्स होती हैं फिर मैनी अर्ली चाइल्ड हुड प्रोग्राम्स यूज देयर ओन असैसमेंट्स और दैट आर टिपिकली बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक्स देखिए एक बात जहन में रखिए कि बहुत से ऐसे स्कूल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इवन जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो पहले से स्टूडेंट्स के आउटकम्स और जो उनके बेंच मार्क्स या स्टैंडर्ड्स हैं वो तय करके स्कूलों में भेजते हैं कि भाई इतने आउटकम्स हमें चाहिए दर हकीकत ऐसा नहीं है जो हम बात बार बार कर रहे हैं हमारे बच्चों की जो पोटेंशियल्स हैं वो अलग हैं उनके बैकग्राउंड्स अलग हैं और अगर वो बराबर भी हों और उनमें अच्छी तरह सारी चीज़ें मौजूद भी हों तो ज़रूरी नहीं कि वो असेसमेंट के दौरान अपनी सारी सलाहियतों को इस्तेमाल करें फिर भी होता ये है कि जो कोर्सेज चल रहे हैं जैसे लैंग्वेज के कुछ टारगेट्स हैं जैसे मैथ के कुछ टारगेट्स हैं इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए हम अपनी असेसमेंट्स इस तरह की बनाते हैं कि जैसे अगर हम बच्चे को गिनती सिखा रहे थे 100 तक तो वो 100 तक उसको गिनती आती हो और इसी तरह अगर हम उसके कुछ लैंग्वेज की खास वकेबलरी जो है कि एफ आर साउंड से क्या बनता है एस पी साउंड से कि, कितने वर्ड्स वो बना सकता है तो ये असेसमेंट्स हम तरतीब देते हैं उनकी आउटकम्स को देखने के लिए लेकिन हमारी जो फ़िलासफीज़ हैं जो हमारी थेरीज हैं वो हमें कहती हैं कि जो बच्चे हैं ख़ास तौर पर जब वो प्ले उनका चल रहा होता है तो जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो इतने क्लियरली निकल के सामने नहीं आते तो इस इसीलिए बहुत सी रिगोरस वैलिडेशन के लिए सुजेस्ट किया है बहुत सी रिसर्च ने कि भाई आप उसको मुसलसल ऑब्जर्व करें वो परफॉर्मेंस जो बच्चे अपने खेल के दौरान करते हैं मसलन अगर आप उनके सामने कुछ ब्लॉक्स या इस तरह की चीज़ें रख दें और उनको बताए बग़ैर उनको उससे खेलने के लिए कहें या देखें छोटी सी इंस्ट्रक्शन हो सकती है कि आप इनको काउंट कर सकते हैं या आप इनसे रिलेटेड वर्ड्स बना सकते हैं वट यू वॉन्ट और बच्चे को प्रेशर से दूर रखा जाए एंगजाइटी से दूर रखा जाए तो फिर वो जो कुछ अपने उस खेल के दौरान कर रहा होगा उस दौरान उसकी विकैबुलर भी नोट की जा सकती है उसकी काउंटिंग भी नोट की जा सकती है और भी बहुत सी चीज़ें लेकिन नॉर्मली जितने भी हमारे ई के प्रोग्राम्स हैं उनमें असेसमेंट्स के ऑलरेडी मैंशनड बेंच मार्क्स हैं स्टैंडर्ड्स हैं तो उनको फॉलो किया जाता है लेकिन जैसे मैं अर्ज कर रही हूँ इफ़ वी वॉन्ट टू एसोसिएट दो विद द प्ले वी हैव टू बी फ्लैक्सीबल एंड वी हैव टू ऑब्जर्व द थिंग्स यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप यूं समझें कि आखिर में जो हम एक समेटिव असेसमेंट देते हैं बच्चों को उसके ऊपर जजमेंट नहीं होनी चाहिए थ्रू आउट द ईयर और थ्रू आउट द सेशन जो कुछ बच्चे पढ़ रहे हों या जो कर रहे हों या जिस तरह से अपने साथियों के साथ डील कर रहे हों वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व की जानी चाहिए और उनकी ग्रेडिंग की जा सकती है तो जो बच्चों की असेसमेंट है वो फ्लैक्सीबल होगी गर्चे के वो स्ट्रिक्ट आउटकम्स के अगेंस्ट भी हो अगर स्ट्रिक्ट आउटकम्स भी हों फिर भी असेसमेंट को आप मुमकिना हद तक फ्लेक्सीबल रखने की कोशिश करेंगे